हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गर्मियों की सीज़न चालू हो गई है। बच्चे जो होते हैं हमारे घर में बाहर की आइसक्रीम खाने की ज़िद करते हैं, तो आज मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी देने वाली हूँ आइसक्रीम की। आप जब चाहें तब बनाकर अपने बच्चों को घर का हेल्दी आइसक्रीम खिला सकते हैं। ना कोई झंझट, ना आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना कुछ है। मैं इतनी सिंपल रेसिपी आपको देने वाली हूँ कि आप बिना सोचे इसको बनाकर तैयार कर अपने घर पर बच्चे जब खाना चाहें आप बच्चों को भी खिला सकते हो और ख़ुद भी खा सकते हो। बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। और इस आइसक्रीम की सबसे अच्छी बात है कि आप घर पे बना रहे हो और आप जानते हो कि ये बहुत हेल्दी है आपके बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फिर रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी दूध। यहाँ पे आप फुल फैट ले लें या नॉर्मल टोन मिल्क ले लें, आपके पास जो भी हो आप वो ले लें, 1.5 कप, ठीक है ना जी। सबसे पहले हमने पैन में 1.5 कप मिल्क लिया था और यहाँ अलग से हम थोड़ा सा मिल्क ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 1.5 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च मिलाएंगे। मैं 2 चम्मच ले रही थी, फिर मैंने आधा किया, हमें 1.5 चम्मच ही लेनी है। अगर आपकी दूध गाढ़ी नहीं होती है तो आप थोड़ा और डाल लीजिएगा, पर 1.5 चम्मच में, 1.5 चम्मच कॉर्न स्टार्च में मिल्क आपकी गाढ़ी हो जाएगी। मिल्क जब गर्म हो जाए, दूध जब गर्म हो जाए, तो अपने मीठे खाने के हिसाब से हम चीनी लेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 कप चीनी डाली हूँ मिल्क में, और जब चीनी घुल जाएगी तो हमने जो घोल बनाई है मिल्क और कॉर्न स्टार्च की, उसको भी हम डालेंगे, पर धीरे धीरे डालेंगे और मिलाते हुए डालेंगे। अगर आप मिलाते हुए नहीं डालोगे और धीरे धीरे नहीं डालोगे तो मिल्क में लम्स पड़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे मिलाते हुए ही हम डालेंगे। और बस देखिए, बहुत ही जल्द ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही ये थिक होनी शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से थिक हो गई है। बस हमें इतना ही थिक करना है क्योंकि इसे हमें फ्रिज में रखकर जमाना भी है 2 घंटे के लिए। तो हम एक बाउल में इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर में इसको हम पहले ठंडा कर लेंगे, इसके बाद 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे मैं अमूल की व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप जिस भी ब्रांड का करना चाहे कर सकते हो। और मैं हैंड जो विस्कर आती है मैं उसी ही यूज़ कर रही हूँ, मैं हैंड ब्लेंडर की यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट ही व्हिप करेंगे हैंड विस्कर से। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं इसी तरीके से बहुत हल्का सा व्हिप कर रही हूँ 2 से 3 मिनट। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से ही व्हिप करके, जैसा केक की क्रीम बनकर तैयार होती है, आप वैसा भी तैयार कर सकते हो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो। नहीं है तो आप मिक्सर जार को 2-2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, उसमें भी आप अच्छी क्रीम को व्हिप करके तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड जिसे कहते हैं, हम घर का बना हुआ यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में आपको है। बहुत ईजी रेसिपी है, आपको मिल जाएगी। जब आइसक्रीम बनाना हो और बहुत झटपट कंडेंस मिल्क बनकर तैयार होती है तो बनाकर रख लें। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्रीम को और कंडेंस मिल्क को मिलाकर एक साइड में रखा है, और जो हमने 2-2.5 घंटे पहले हमने जो बैटर तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था मिल्क का, एक गाढ़ा सा, जो जिसे हम आइसक्रीम का बेस भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी आइसक्रीम इससे ही अच्छी बनने वाली है, तो इसे हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्सर जार में 2 घंटे के बाद निकाल कर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और उसी में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू बादाम और पिस्ता। मैं यहाँ पे सारे गोटे ही डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे कट नहीं किया क्योंकि जब हम पीसेंगे तो दरदरा हो जाएगी, और अगर हम काट के डालेंगे, चॉप करके डालेंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। और इस तरीके से डालोगे तो आप जब आइसक्रीम खाओगे तो आपको मुँह में भी आएगी। अब हमें क्या करना है, क्रीम और कंडेंस मिल्क के बैटर में इस बैटर को डाल देना, इस मिक्सचर को डाल देना जो हमने मिल्क और कॉर्न स्टार्च के हेल्प से बनाया था। अब क्या होगा, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम स्मेल के लिए, फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें, वरना स्किप कीजिए, क्योंकि इस पर ड्राई फ्रूट्स डली हुई है और हमारा जो घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है उससे भी बहुत अच्छी स्मेल आती है तो डालिए एसेंस, नहीं है तो स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है आइसक्रीम का, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन या बाहर मार्केट में। तो इसमें हम सारी जो बैटर है हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर है उसे हम डाल लेंगे, फिलअप कर देंगे सारों को। आप कभी भी, अगर मैं एक एडवाइस दूंगी, कभी भी अगर आप आइसक्रीम मोल्ड लेना चाहें ना तो आप सेपरेट वाला लीजिए, इंडिविजुअल जो आती है ना, सिंगल सिंगल मोल्ड आती है वो लीजिए, क्योंकि इसमें से ना आइसक्रीम निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ना हम इसको पानी में डुबो कर एक साथ सब निकाल भी नहीं सकते हैं, और बाहर छोड़ के 5-10 मिनट के लिए या फिर 30-40 सेकंड के लिए छोड़कर निकालते हैं ना, तो भी थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है इससे निकालने के लिए, क्योंकि सारे एक साथ ही मतलब मेल्ट होना चालू हो जाती है ना। और अगर सिंगल होगी तो आप एक एक करके भी निकाल कर
आप उसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मनचाही कलर यूज़ करेंगे हम। बच्चों को कलरफुल आइसक्रीम बहुत पसंद आती है, तो मैंने यहाँ पे अपने पसंद के कुछ कलर्स यूज़ कर लिए हैं, रैंडम कलर। आप भी अपने पसंद के थोड़े कलर अलग अलग ऐसे यूज़ कर लें, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप डालकर मिला लें। इसे हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में बहुत आराम से हमारी जो आइसक्रीम है जम जाएगी। अगर ना जमे तो आप ओवरनाइट डाल दें फ्रीज़र में, या फिर 6 घंटे के लिए रख दें, बहुत अच्छे से जम जाती हैं। और यहाँ पे मैंने बची हुई बैटर, जो हमारा बचा हुआ आइसक्रीम मिक्सचर है, उसे हमने क्या किया, एक अलग अलग बॉल में डालकर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे भी मैं कुछ अपने पसंद के कलर्स डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इसे हम सिलिकॉन जो मोल्ड आती है आइसक्रीम की, उसमें यूज़ करेंगे। और आप चाहें तो इसी तरीके का अलग अलग, जैसे हमने 4 कलर बनाए हैं, आप इसे भी पैक करके, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से डिफ्रीज़र में रख दें और ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी आपको खाने के लिए। पर मैं यहाँ एक डब्बे में रेनबो आइसक्रीम की तरह आपको बना के दिखाती हूँ कि इस लिक्विड वाले जो बैटर से भी हम अच्छे से रेनबो आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी हैंड जो ब्लेंडर आती है उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा हमारा रेनबो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाता है इसी तरीके से। जिस तरीके से हम बैटर डाल रहे हैं, मिक्सचर को डाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेट हो जाती है। और यहाँ पे अब मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, क्योंकि बच्चों को स्टिक वाली आइसक्रीम खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं और आपको एक बात बता दूँ, सिलिकॉन मोल्ड से आइसक्रीम निकालना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे कि हमें अटैच वाली मोल्ड से निकालने में टेंशन हो रही थी, मुझे निकालने में बहुत बारी, जब भी निकालती हूँ तभी मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि इंडिविजुअल वाली बहुत आराम से निकल जाती है और सिलिकॉन वाली भी बहुत आराम से निकल जाती है। देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप लेकर घर में ही बच्चों के लिए आइसक्रीम बहुत सारी वैरायटीज़ का कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चोकोबार भी लेकर आने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेनबो आइसक्रीम तैयार है जमने के लिए। अब इसे हम फॉइल पेपर से ढक देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए 6 घंटे के करीब। आप चाहें तो पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं, मेरे पास फॉइल पेपर थी तो मैंने उससे ढक दिया। यहाँ पे 6 घंटे हो गए हैं, मैं यहाँ पे 6 घंटे से भी ज़्यादा ही आइसक्रीम को रख दी थी, निकाली नहीं थी। आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है, देखिए हमारी मोल्ड वाली आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छे से जमी है और बॉक्स वाली। अब हमारी जो रेनबो आइसक्रीम है जिसमें हमने सिलिकॉन में हमने जमाया था, वो भी जमकर अच्छे से तैयार है। थोड़ी सी फैल गई है क्योंकि हमने फॉइल पेपर ऊपर से लगाया था ना, इस वजह से। पर हम निकालेंगे तो आइसक्रीम पूरी प्रॉपर अच्छे से निकलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितने अच्छे से निकलती है। और मैं कह रही हूँ, जो हमारा मोल्ड है आइसक्रीम का, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे और आराम से हमारा सिलिकॉन मोल्ड से आइसक्रीम निकलती है। मैं बार बार ही इसमें बनाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ या दिक्कत नहीं होती है इससे आइसक्रीम को निकालने में। बट जो अटैच वाला मैंने मोल्ड लिया है, इससे हम मुझे आइसक्रीम निकालने में थोड़ी टेंशन बनी रहती है, कहीं मेरी आइसक्रीम बीच से टूट ना जाए या फिर स्टिक ना निकल जाए, थोड़ी ऐसी बनी हुई रहती है। तो आप इस तरीके से सिलिकॉन का मोल्ड भी ले सकते हैं या फिर विदाउट अटैच वाली भी मोल्ड आप लेकर अपने घर पे आइसक्रीम बना सकते हैं। देखिए सारी आइसक्रीम बहुत इजीली निकल गई, आप देख रहे हैं ना। और बस जब तक मैं इसे निकाल रही हूँ, मैं उस आइसक्रीम के मोल्ड को भी बाहर रखी हूँ, अब हम उससे भी आइसक्रीम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने किसी पानी का या किसी गर्म कपड़े का यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही नॉर्मली मैं निकाल रही हूँ और आराम से निकली है। मुझे थोड़ी सी टेंशन बस इसमें निकालने में हो रही थी क्योंकि मुझे सूट करनी थी। नॉर्मली तो रैंडमली हम निकाल लेते हैं बिना डरे, बट यहाँ पे थोड़ी सी डर बन रही है, कहीं स्टिक ना निकल जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो बस मैं धीरे धीरे सारी आइसक्रीम निकाल रही हूँ और निकल भी रही है ठीक से, क्योंकि मैंने 5 मिनट के करीब तक बाहर छोड़ दिया था। तब तक मैं आपको वो वाली सिलिकॉन वाली आइसक्रीम दिखा रही थी। यहाँ पर हमारी सारी आइसक्रीम अच्छे से निकल रही है और इसे आप निकालने के बाद फ्रीज़र में फिर से रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि फिर से ये बहुत अच्छे से जम जाए। उसके बाद बच्चों को सर्व करें। घर पे ही बहुत इजीली आइसक्रीम बनकर तैयार है, बहुत ही हेल्दी। बस इसमें एक चीज़ है जो हेल्दी नहीं है, वो हमारा फूड कलर है, जो हमने कलर यूज़ किया है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें ही बहुत हेल्दी हैं। आप अपने बच्चों को बाहर का ना खिलाते हुए घर का इस गर्मी में बनाकर खिलाइए, बच्चों के हेल्थ के साथ अपनी टेंशन फ्री भी रहेंगे हम, ठीक है ना जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट के जरिए मुझसे जुड़े रहिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।